तो दोस्तों, अगर आपको भी कुछ ऐसा एरर देखने को मिलता है एमआई फ्लैश टूल में, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैं फिक्स करके दिखाऊंगा आपको ये एरर कि आप कैसे इस एरर को फिक्स कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करना ताकि ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिल सके। एंड अगर आपको किसी भी और चीज पे प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आप जैसे जाओगे एमआई फ्लैश टूल को यूज करने के लिए, जैसे एमआई के किसी भी डिवाइस में अगर उसकी रोम फ्लैश करते हो तो उसके लिए ये टूल यूज होता है। तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया कि ये वाला एरर हमें देखने को मिलता है बार बार। हम कितना भी इसको इंस्टॉल कर वापस से इंस्टॉल कर लें तो अभी हमें ये सेम एरर देखने को मिलता है। तो इस एरर को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो पहले तो क्या करना है, हमें यहाँ से जो भी एरर आ रहा है इसको यहाँ से या तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो कंटिन्यू अगर आप करोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही करोगे वापस ये सेम एरर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने एक फोन कनेक्ट किया, फिर से कंटिन्यू करते हैं और रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो ये बार बार सेम एरर दिखाएगा चाहे आप कहीं पे भी क्लिक करोगे। वापस ओपन करते हैं तो अब बात आती है आप इस एरर को फिक्स कैसे कर सकते हो। इस एरर को फिक्स करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से क्विट करना है। क्विट करने के बाद जहाँ पे भी आपका ये जो फोल्डर बना हुआ है एमआई फ्लैश का, मान लीजिए आपके कोई भी डिस्क में ये वाला फोल्डर है, जहाँ पे भी आपने इसको इंस्टॉल कर रखा है उसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे ये शाओमी एमआई फ्लैश का टूल है। अब हमें यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है, यहाँ पे हमारे पास जो है लॉग फाइल नहीं है। तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पे साइड में एंड यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करके फोल्डर क्रिएट करना है आपको, जिसमें आपको टाइप करना है LOG, सिर्फ आपको LOG टाइप करना है, एंटर कर देना है। अब क्या करना है, वापस से यहाँ पे आपको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको MI फ्लैश टूल वापस से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो वो एरर हमारा हट चुका है एंड जो डिवाइस लगा हुआ है मेरा वो भी यहाँ पे शो करने लगा है। आप लोग नोटिस भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे जो है आप इसको फिक्स कर सकते हो, उस एरर को जो भी आपको एरर देखने को मिल रहा है उसको। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है या कोई और एरर आता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना या मेरे को DM करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।